Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. So in my last video I told you about hormones introductory part. In this video lecture I am going to tell you about a comparative view of hormones and enzymes. So what are hormones? We have already discussed. These are the chemical messengers. I told you in my last video about the introductory portion of hormones. These are the chemical messengers or information molecules. And if we are going to discuss about enzymes, so they do not carry any message. They do not carry any message. And act as biocatalyst. They are working as a biocatalyst. It means they will speed up the rate of reaction to bring about a reaction. दूसरा point हम लोग ऐसा बोल सकते हैं hormones के लिए कि ये secrete होते हैं endocrine glands से. They are secreted from endocrine glands. और जो हमारे enzymes हैं they are secreted from exocrine glands. Exocrine glands are secreted होंगे. और next point मैं आपको बता रहा कि जो hormones हैं वो directly bloodstream में pour कर दिए जाते हैं, directly into blood. और आपको पता है enzymes जो होते हैं exocrine glands release होंगे, तो उनके पास एक ducts होंगे, through that they will secrete out. And about next point I want to tell you, they may have a different site other than where they are produced. Means agar inki jo production site is different. Production site is different from different from action site. Aap aisa likh sakte hain. Balki agar hum enzyme ki baat kare, enzyme ke liye they always act at or near the site where they are produced. या तो उसी production site पे ही होंगे या फिर उसके आसपास होंगे. लेकिन hormones जो हैं वो production site और उनके action site एकदम अलग होगी. यहाँ पे production site is same or nearby, near to action site. You can write in this. Next point students, हम ऐसा कह सकते हैं जितने भी हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन्स हो सकते हैं और कुछ अलग केमिकल्स हो सकते हैं. प्रोटीन्स हो सकते हैं और केमिकल्स हो सकते हैं. और जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन नेचर. जितने भी एंजाइम्स हैं सभी प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं. आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन कंपोनेंट यहाँ पे केमिकल भी हो सकता है. और लास्ट पॉइंट हम लोग अगर हार्मोन्स के लिए डिस्कस करना चाहें तो जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर ग्रोथ हार्मोन की ही बात करें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रोथ हार्मोन और इट मे एक्ट ऑन द बोन्स. ग्रोथ हार्मोन्स मे एक्ट ऑन बोन्स टिश्यूज में कर सकते हैं, बोन्स टिश्यूज एंड वेरियस अदर पार्ट्स और कुछ अदर पार्ट्स फॉर ओवरऑल ग्रोथ. और ये जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स की अगर बात करें तो दे आर जनरली स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल एंजाइम माल्टेज एक्ट ऑन सब्सटेंस माल्टेज. ये कैसे हैं? स्पेसिफिक है. मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर एंजाइम है तो पर्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए ही काम करेगा. बल्कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन्स पे, टिश्यू पे, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी कर सकता है. इसका ओवरऑल ग्रोथ इफेक्ट. तो ये कुछ कंपेरेटिव व्यू था स्टूडेंट्स एंजाइम्स और हार्मोन्स के बीच में. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स को लेकर, तो आप इस तरीके का कंपेरेटिव व्यू के थ्रू आप पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूँगी. कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वन बाय वन. सो कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, स्टे ट्यून्ड टू माय.